हेलो पेरेंट्स, मैं हूं सपना और अर्बन इंडियन मॉम्स में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। छोटे बच्चों में पहली बार दांत आने की प्रक्रिया को टीथिंग बोलते हैं। वैसे तो टीथिंग के लक्षण बच्चों में दांत आने के पहले 1-2 महीने में ही दिखने लग जाते हैं, लेकिन सारे बच्चों में ये प्रोसेस अलग अलग तरह से होती है। लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो अगर हमें हमारे बच्चों में दिखने लग जाए तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि अब हमारे बच्चे को दांत आने वाले हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस वीडियो में जो भी सिम्टम्स मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी वो सारे सिम्टम्स आपको अपने बेबी में दिखे, लेकिन इनमें से कुछ 2-3 सिम्टम्स अगर आपको अपने बेबी में दिखने लग जाए तो आप समझ जाएगा कि अब आपका बच्चा भी टीथिंग के लिए रेडी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि बच्चों को दांत आने से पहले ऐसे कौन से लक्षण हैं जो हमें उनमें दिखाई देते हैं, जिससे हम समझ पाए कि अब हमारे बच्चे को दांत आने वाले हैं। सिम्टम्स जानने से पहले एक बात जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, और वो है कि बच्चों को कौन सी एज से दांत आना शुरू होते हैं। तो नॉर्मली तो बच्चों को 6 से 8 महीने के बीच में पहला टीथ आ जाता है। कई बच्चों में ऐसा भी हुआ है कि 4th मंथ में ही पहला टीथ दिख गया हो, और कई केसेस में ऐसा भी होता है कि बच्चों को 1 साल के बाद पहला दांत आता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी डॉटर को 1 साल और 1 महीने के बाद पहला दांत आया था, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपके बच्चे को पहले 6 महीने में ही पहला दांत आ जाए, या फिर अगर 1 साल हो गया हो और अभी तक एक भी दांत ना आया हो, तो आप इस बात से बिल्कुल चिंतित ना हो। हाँ, अगर 1.5 साल हो जाए और फिर भी बच्चे को एक भी दांत ना आए तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अब बात करते हैं टीथिंग के सिम्टम्स के बारे में। तो बच्चों में दांत आने वाले हैं, इस बात का सबसे पहला सिम्टम्स हमें यह दिखेगा कि बच्चों के जो मसूड़े होंगे वो थोड़े हार्ड हो जाएंगे, थोड़े फूल जाएंगे, क्योंकि दांत निकलते समय सबसे पहले मसूड़ों पर दबाव पड़ता है और दांत मसूड़ों को चीर कर बाहर निकलने वाले होते हैं। इसलिए बच्चों के जो मसूड़े होंगे वो फूल जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, थोड़े लाल दिखने लगेंगे या फिर उसमें सूजन आ जाएगा, और आप तब समझ जाएं कि आपके बच्चे को अब जल्दी ही दांत आने वाले हैं। दूसरा सिम्टम्स है बच्चे के मुँह में बार बार लार आना और मुँह में रैशेस होना। जब भी बच्चों को दांत आने वाले होते हैं तब कई बच्चों में ऐसा देखा गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा लार टपकाने लगते हैं, और इस लार को हम बहुत ही ज़्यादा बार क्लीन करते रहते हैं, इस वजह से बच्चों के मुंह में रैशेज भी हो जाते हैं। तो बच्चों को जब बहुत ही ज़्यादा लार आने लग जाए तब समझ जाए कि अब बच्चे को दांत आने वाले हैं। थर्ड सिम्टम्स है कि बच्चा हर चीज़ को अपने मुँह में लेगा और बाइट करने की ट्राई करेगा। जब भी बच्चे को दांत आने वाले होते हैं तब उसके मसूड़े काफ़ी फूल जाते हैं और उसमें थोड़ी झुंझुनाहट भी महसूस होती है, उसमें थोड़ी खुजली आती है, और इस वजह से बच्चे अपने आसपास की हर चीज़ को अपने मुंह में लेने की ट्राई करते हैं, अपने खिलौनों को मुंह में लेने की ट्राई करते हैं और बाइट करने की ट्राई करते हैं। बच्चे बार बार अपने हाथों को भी मुंह में डालते रहते हैं, कई बार तो ब्रेस्ट फीड लेते समय भी बच्चे माँ को बहुत ही ज़्यादा बाइट कर लेते हैं। तो इस समय के दौरान आप समझ जाए कि अब बच्चे को जल्दी ही दांत आने वाले हैं। फोर्थ सिम्टम है कि बच्चे बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक तरह से खाना नहीं खाते या ठीक तरह से सो नहीं पाते। दांत आने की वजह से बच्चे के मसूड़ों में बहुत ही ज़्यादा सूजन हो जाती है, मसूड़े थोड़े फूल जाते हैं, इस वजह से वो ठीक तरह से खाना नहीं खा पाते। वो भूखे होते हैं इसलिए ठीक तरह से सो नहीं पाते, और उन्हें पूरी नींद नहीं मिलती है, इस वजह से वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। बच्चा जब इस फेज से गुजर रहा हो तब आपको अपनी तरफ से बच्चे को पूरी हेल्प करनी है उसकी ये परेशानी दूर करने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है और हर बच्चे को इसमें से पास तो होना ही है, इसलिए आप ज़्यादा परेशान ना हो। सिर्फ आप थोड़ी होम रेमेडीज ट्राई करती रहे जिससे बच्चों को इससे आराम मिले। फिफ्थ सिम्टम्स है कि जब बच्चों को दांत आने वाले होंगे तब बच्चे बहुत ही ज़्यादा अपने कान भी कई बार खुजाने लगते हैं, क्योंकि मसूड़ों से जुड़ी जो भी नस होती है वो कान से भी जुड़ी होती है, और इस वजह से जब बच्चे के मसूड़ों में दर्द होता है तो वह दर्द उनके कान तक पहुँचता है, और इसलिए कई बार बच्चे टीथिंग के दौरान अपने कान में भी ज़्यादा खुजाते रहते हैं, हाथ डालते रहते हैं। कई बार इस वजह से बच्चों को थोड़ा बुखार भी रहता है, एकदम से उनका बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है और 1-2 घंटे के बाद एकदम वो टेम्परेचर डाउन भी हो जाता है। फिफ्थ सिम्टम है कि बच्चों को अगर दांत आने वाले होंगे तो उसको लूज मोशन होने लगेंगे या फिर उल्टी आने लगेगी। कई बार बच्चों में मसूड़ों में सूजन ज़्यादा नहीं दिखती लेकिन लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों के दांत आने वाले हैं उसका पता हमें उनके मसूड़ों से नहीं चलता, लेकिन उनको ज़्यादा लूज मोशन चालू हो जाए तब पता चलता है। मैंने आगे भी आपको बताया कि ज़रूरी नहीं कि ये जो इतने सारे सिम्टम्स हैं वो सारे सिम्टम्स आपको अपने बेबी के टीथिंग के समय उसमें दिखे। इसमें से कोई भी 1-2 सिम्टम्स आपको अपने बेबी में दिखने लग जाए
तब आप समझ जाएगा कि आपका बेबी अब टीथिंग के लिए रेडी है और उसके साथ आने वाली दर्द और परेशानियों के लिए भी रेडी है। इसके लिए आपको भी रेडी रहना है। कई बार बच्चों को टीथिंग के समय मसूड़ों में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, बच्चों को पेट दर्द भी ज़्यादा हो जाता है या फिर बच्चे बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो टीथिंग के टाइम के दौरान बच्चों को ये जो सारी परेशानी होती है, ये जो दर्द होता है, उसे दूर करने के लिए जो घरेलू उपचार होते हैं, इस पर भी मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, जिसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो आप इसे अपना एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको पेरेंटिंग से रिलेटेड, बेबी केयर से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको सही आंसर दे पाऊँ। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।